लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ओंकार हूँ, जन जन को कष्ट पहुंचाने वाले दुष्टों का अस्तित्व मैं अधिक समय तक सहन नहीं करता। जन रक्षा में मैं उनके लिए भीषण प्रहार हूं। मैं ओंकार हूं। उधर कैलाश पर अरुंधति और सप्त ऋषियों को बुलाकर शिव उनसे मैना के मन को उनकी ओर से निर्मल करने का कार्य सौंपते हैं, किंतु मैना का मन तो वे स्वयं ब्राह्मण वेश धारण कर कठोर बना आए थे। पार्वती अपनी मां मैना को स्थिति स्पष्ट करते हुए बताती भी है। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। परम पिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती को पुत्र नारद का प्रणाम। नमः शिवाय। आओ नारद। नारद तो आ ही गया माता, परम क्या इन दिनों आप दोनों ध्यान में ही मग्न रहते हैं, सृष्टि का कार्य थम सा गया है। ऐसा होना संभव है क्या? तुम तो तीनों लोकों में सदा भ्रमण करते रहते हो, क्या कहीं कुछ तुम्हें नवीन नहीं दिखाई दिया? नवीन नवीन घटनाएं? नवीन घटनाएं तो नहीं, पर हाँ दुर्घटनाएं अवश्य जन्म ले रही है। नवीन कुछ होते दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों हो रहा है यही पूछने तो मैं यहाँ आया हूँ माता। नारद, तुम देवर्षि होकर असत्य भाषण भी कर लेते हो। प्रश्न में असत्यता कैसी परमपिता? मैंने तो मात्र अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। यदि मैंने असत्य भाषण किया भी होगा तो वो लोकहित के लिए किया होगा, परंतु आपके सम्मुख असत्य बोलने का साहस ना तो मैं कर सकता हूँ ना ही दृष्टता कर सकता हूँ। तो क्या ये सत्य नहीं कि तुम इस समय यहाँ नव निर्माण की जिज्ञासा लेकर नहीं वरन शिव की विचित्र लीला तथा मैना रानी के भ्रम के विषय में जानने आए हो? नव निर्माण की जिज्ञासा के पश्चात मैं इस विषय पर भी चर्चा अवश्य करता परमपिता, परंतु सत्य यह है कि शिवजी की लीला के कारण निर्माण के कार्य में बाधा आ रही है। नहीं नारद, ये सत्य नहीं है, तुम्हारा भ्रम है। शिव लीला से कार्य में बाधा नहीं कल्याण की प्रेरणा प्राप्त होती है। नारायण नारायण। परमपिता, तो फिर बार बार शिवजी मैना रानी से परीक्षा लेकर पार्वती से विवाह में विलंब क्यों कर रहे हैं? स्वअवसर की प्रतीक्षा को ज्ञानी धीरज और शीघ्रता के लिए की गई व्याकुलता को अज्ञानी विलंब कहते हैं। नारद, लौकिक रूप से विलंब हो या शीघ्रता, शिव जो भी करेंगे शुभ के लिए ही करेंगे। परमपिता, पार्वती का अटल निश्चय, मैना रानी का हठ और भोलेनाथ के परीक्षा क्रम के साथ साथ लीला प्रसारण का अंतिम रूप और परिणाम क्या होगा? कहा ना नारद, शिव लीला का परिणाम सदा शुभ ही होता है। शिव का अर्थ ही शुभ होता है। जो शिव भक्त हैं इस सत्य को भली भांति जानते हैं। शिव लीला में जो कुछ हुआ है, हो रहा है और होगा, वो निश्चित रूप से कल्याणकारी ही होगा। इसी कारण शिव भक्त कभी भोलेनाथ की लीलाओं में शंका प्रकट नहीं करते। धन्य हुआ मैं, धन्य हुआ। परमपिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती के मुख से शिव लीला के विषय में जानकर मैं धन्य हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
महारानी मैना, मैं जानती हूँ आप यहाँ क्यों आई हैं। शिव जी ने भेजा है ना आपको मुझे समझाने के लिए, पर मेरा समझना संभव नहीं है, क्योंकि जो मुझे स्वीकार नहीं है सो नहीं है। बस मैं अपने निश्चय पर अटल हूँ और रहूंगी। प्रणाम। मैना रानी, तुम्हारा निश्चय भी उचित है और अटल भी उत्तम, परंतु अपनी पुत्री के प्रेम में दुर्व्यवहार करना ना तो उचित है ना उत्तम। उत्तेजना में तुम सामान्य शिष्टाचार भी भूल गई, अपने आदरणीय और पूज्य जनों का समुचित स्वागत भी नहीं किया तुमने। क्षमा करें ऋषिवर, सत्य है पुत्री के मोह और उत्तेजना में मुझसे भूल हो गई। भूल तो देवगण से भी होती है, चिंता का विषय वो नहीं, ये है कि कहीं तुम्हारा पुत्र मोह कम न हो जाए। हम उसी की विनती करने आए हैं। अर्थात तुम्हें पुत्री से मोह है, पुत्र का मन शिव पे है, पर तुम्हारा मन शिव को स्वीकार नहीं करता। कैसे करेगा, क्यों करेगा? फिर पुत्री का मन भी शिव को अस्वीकार क्यों करेगा? उसे करना होगा, वो मेरी पुत्री है, क्या वो अपनी माँ की बात नहीं मानेगी? मैंने जन्म दिया है उसे। किसे माने वो, माँ को जिसने केवल जन्म दिया है, या उस सत्य को जो सृष्टि के आदि से उसके साथ है और अंत तक साथ रहेगा? विधि के विधान में शिव पार्वती का विवाह निश्चित है। बाहरी रूप से जो तुम्हें स्त्री और पुरुष दिखाई दे रहे हैं, मूल रूप में वो शिव और शक्ति हैं। शिव और शक्ति? हाँ, तुम बाहर और ऊपर का रूप ही देखती रहोगी तो सत्य भी बाहर और ऊपर ही रहेगा। हाँ, भीतर झांकोगी तो सत्य भी भीतर आएगा। मैंने कब देखा है वह यह रूप? शिव के प्रति विरक्ति उनके भाई रूप को देखकर ही हुई है ना? नट के रूप में देखा, कैलाश पर शिव बूढ़े ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए, तुम्हारे भवन में वैष्णव ब्राह्मण बनकर आए। क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? अति आवश्यक था। भगवान शिव तुम्हें इस सत्य से परिचित कराना चाहते थे कि बाह्य रूप भले ही कितना भी भव्य, सुंदर एवं आकर्षक हो, किंतु भीतर से सब कुछ शून्य हो तो वो हितकारी नहीं होता है। इसके विपरीत यदि बाह्य रूप भव्य, सुंदर एवं आकर्षक न हो, किंतु भीतर गुण, प्रतिभा, चरित्र इस सब की संपदा हो, तो वो श्रेष्ठ और हितकारी होता है। तुम्हारे माध्यम से ही भगवान शिव संपूर्ण जगत को ये संदेश देना चाहते हैं कि रूप नहीं, गुण और शुभ उद्देश्य स्थायी और कल्याणकारी होता है। ऐसा लग रहा है आप सत्य कह रही हैं। मैं असत्य क्यों कहूंगी? तुम यदि अपनी पुत्री का विवाह सुख संपदा के स्वामी किसी राजकुमार से कर देती हो, किंतु चरित्र और गुण प्रिय तुम्हारी पुत्री उस राजकुमार के चरित्र और गुणों से संतुष्ट न होकर दुखी हो जाती है, तो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? अपनी पुत्री के दुख में क्या तुम दुखी नहीं हो जाओगी? विधाता न करे ऐसा हो। तो फिर विधाता के संकेत में छिपे हुए संदेश को पहचानो और उसे मान लो। तुम्हें पुत्री से मोह है, पुत्री को शिव से, इसलिए अपनी पुत्री के हित में तुम भी शिव के प्रति शुभ भावना रखते हुए उन्हें अपना जमाता स्वीकार करो। वैसे हमने शिव विवाह के लिए मार्ग शीर्ष शुक्ल त्रयोदशी का मुहूर्त निश्चित किया है। बधाई हो मैना रानी, पुत्री के विवाह का शुभ मुहूर्त भी निश्चित हो चुका है। अब कहो क्या कहना चाहती है? अब कहने को शेष क्या रह गया है? जैसा आप सब उचित समझें करें, समस्त देवगण की भी यही इच्छा है। और अभी अभी देवी अरुंधति ने जो सत्य प्रकट किया है, मैं उससे सहमत हूँ। आपकी सहमति सभी की प्रसन्नता और कल्याण का कारण है मैना रानी। अब तो यही उचित होगा कि शीघ्र ही गर्ग ऋषि द्वारा भगवान शिव को विवाह की निमंत्रण पुस्तिका भिजवाई जाए। अवश्य देवी, अवश्य।
सदानंद भाजं भूतिभूतं भवेश्वरं भूतनाथं शिवं शंकरं शंभुमीशान मीडे। आओ गर्ग ऋषि, कैलाश पर आपका स्वागत है। भोलेनाथ की जय, भोले शंकर की जय। आज की जयकार तो धूमधाम से पूर्ण है। हाँ भोलेनाथ, मैं हिमालय राज का राजपुरोहित हूँ। सप्त ऋषियों के परामर्श स्वीकार कर उन्होंने आपका तथा देवी पार्वती के विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित किया है। कैलाश पति भगवान भोलेनाथ की जय, देवाधिदेव भोले शंकर की जय, पर्वताधिराज हिमालय राज की जय, चराचर पति शिव शंकर की जय। हिमालय राज और मैना रानी की ओर से पूजा और ये निमंत्रण स्वीकार करें। मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी के दिन आप बारात लेकर देवी पार्वती का पाणि ग्रहण करने हेतु हिमालय भवन पधारें। भगवान भोलेनाथ की जय, देवाधिदेव भोलेनाथ की जय, भगवान शिव शंकर की जय, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की जय। भगवान शिव तथा देवी पार्वती के विवाह के प्रथम पर्व को प्रारंभ करके अत्यंत शुभ और महान कार्य किया है। देवर्षि, मैंने केवल हिमालय राज की इच्छा को मूर्त रूप देकर इस विधि को पूर्ण किया है। ऋषिवर, इस विधि को पूर्ण करके आपने भोलेनाथ तथा पार्वती के विवाह की प्रतीक्षा को पूर्ण किया है। अब समस्त जगत आनंद और उत्साह से भर उठेगा। देवगण के उत्साह की तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी। और अब जगत शीघ्र ही तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त हो जाएगा। विधि का विधान अपना कार्य तो निश्चित रूप से करेगा ही देव ऋषि। भोलेनाथ, अब इस पुरोहित को आज्ञा दें। आज का दिन जगत में अत्यंत शुभ और प्रसन्नता का दिन है। नारद, जब से तुम आए हो शुभ और प्रसन्नता का ही राग आलाप रहे हो। तुम्हारी वाणी और वीणा से तो सुर ही सुर निकलते हैं, पर कर्म क्षेत्र में तुम दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते। प्रभु, आपका कहना क्या है? यही कि केवल गाल ही बजाते रहोगे अथवा कुछ कार्य भी करोगे। प्रभु, करना क्या है, आज्ञा करें। आज्ञा करने पर करोगे, स्वयं की इच्छा से नहीं। प्रभु, कार्य का ज्ञान भी तो हो, करना क्या है? अर्थात जब कार्य बताया जाएगा तब करोगे। अभी तुम गर्व ऋषि से कह रहे थे कि उन्होंने शिव पार्वती विवाह का प्रथम पर्व आरंभ किया, कहा था अथवा नहीं? हाँ हाँ, अवश्य कहा था। तो अब द्वितीय पर्व तुम क्यों नहीं आरंभ करते? समझ गया प्रभु, सब समझ गया। ये चला नारद द्वितीय पर्व आरंभ करने। पर सुनो तो, इस पर्व को
आरंभ कैसे करोगे? नारायण नारायण, आपका दूध बनकर परमपिता ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र, सभी देवगण, सभी ऋषिगण, इन सभी को आपके विवाह की सूचना देकर उन्हें विवाह में सम्मिलित होने का निवेदन पूर्ण आमंत्रण दूंगा, उन्हें प्रसन्न रखूंगा भोलेनाथ। नारायण नारायण। अरे 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 अरे, मैं क्यों पृथ्वी लोक की ओर जा रहा हूँ? मुझे तो स्वर्गलोक जाकर देवगण को सूचित करना होगा। शिव पार्वती विवाह की सूचना पाकर सबसे अधिक प्रसन्नता देवताओं को ही होगी, इसीलिए उन्हें ही सर्वप्रथम आमंत्रित एवं सूचित करना उचित होगा। चलो नारद, सबसे अधिक प्रसन्नता देवताओं को ही होगी, निश्चित ही देवताओं को ही होगी। नारायण नारायण। दुष्ट तारकासुर के कारण देवता ही सबसे अधिक कष्ट में हैं। शिव पार्वती विवाह उपरांत उनसे उत्पन्न पुत्र देवताओं के परम शत्रु तारकासुर का वध करेगा, इसलिए सर्वप्रथम देवताओं के पास चलना चाहिए। चलना तो तुझे भी चाहिए हमारे स्वामी के पास। परंतु तुम हो कौन? मैं मेघासुर हूँ, महाबली तारकासुर का सेनापति। अब पता चला कि मैं कौन हूँ। अब तुम्हें यह भी बताता हूँ कि तुम्हें क्यों पकड़ा। तुम चोटी वाला हमारे स्वामी महाबली तारकासुर के वध का षड्यंत्र कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पकड़ा है। और अब तुम्हें हमारे स्वामी महाबली तारकासुर के सम्मुख उपस्थित होना है, इसलिए छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। चलो। नारायण नारायण, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, चलना होगा। तारकासुर की सुन लेते हैं और मन की कह लेते हैं। नारायण नारायण। चलो हमारे स्वामी तारकासुर के पास। चलो, चलो।